सो हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई आज एक और हम नए टॉपिक पर बात करेंगे भाई, जो हमारी मारुति की दो बहुत ही फेमस गाड़ियां हैं। एक हमारी मारुति इग्निस जो कि नेक्सा के द्वारा बेची जाती है, थोड़ी प्रीमियम गाड़ी है भाई, कॉम्पैक्ट सब क्रॉसओवर उसको बोल सकते हैं, और हमारी मारुति वैगनार जिसका रुतबा भाई पहले से चलता है और आज भी चल रहा है स्पेस के मामले में। तो भाई इग्निस का डेल्टा जो हमें 7.25 लाख ऑन रोड पर पड़ जाता है, लगभग प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, 7.30 लाख रुपये इस तरह की कुछ लमसम पड़ती है वो। और हम बात कर लेते हैं भाई मारुति वैगनार का ZXi वेरियंट। ZXi की सबसे खास बात है इसमें हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, नॉर्मल 1 लीटर से के सीरीज का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं मारुति वैगनार ZXi 1.2 और मारुति डेल्टा, दोनों मारुति की गाड़ी रहेंगी हमारी, इग्निस का डेल्टा वेरियंट और हमारा वैगनार का भाई ZXi वेरियंट। अगर प्राइसिंग की बात कर ले, मारुति इग्निस जो हमारी जाती है ऑन रोड 7.23 लाख रुपये, वैगनार जाती है 7.12 लाख रुपये, थोड़ी महंगी इग्निस हमें पड़ती है। इग्निस में हमें मिलता है VVT पेट्रोल इंजन 81 bhp और 113 nm ऑफ टॉर्क, वैगनार में 88 bhp, थोड़ी bhp ज़्यादा मिलती है। माइलेज की बात करूँ तो वैगनार में हमें थोड़ा अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें दोनों में सेम मिलती है भाई 32 लीटर। स्टेयरिंग टाइप हमारा पावर रहेगा वैगनार में, इलेक्ट्रिक रहेगा हमारा इग्निस में। टायर साइज आप देख सकते हैं हमें इग्निस में थोड़ा 1 इंच ज़्यादा मिलता है। डायमेंशन बात कर तो लेंथ हमारी भाई इग्निस में थोड़ी ज्यादा रहेगी, विड्थ जो है हमारी इग्निस में हल्की सी ज्यादा रहेगी, हाइट तो भाई टोल बाय डिजाइन में हमारी वैगनार आती है तो 1675 में हाइट मिलेगी, लेकिन बूट स्पेस हमें वैगनार में बहुत अच्छा खासा मिलेगा 341 लीटर का, वही लेकिन इग्निस में हमें 260 लीटर का हमें बूट स्पेस मिलेगा भाई। तो हमारी पहले से लेंथ थोड़ी बड़ी है। इग्निस में हमें ट्रंक लाइट मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, कप होल्डर फ्रंट मिलेंगे, ये तीनों हमें वैगनार में नहीं मिलेंगे। वैगनार में हमें सीट लंबर सपोर्ट, इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, ये चारों फीचर्स हमें इग्निस में नहीं मिलेंगे। रियर स्पॉइलर, टर्न इंडिकेटर और ORVM हमें इग्निस में मिलेंगे, हमें वैगनार में ZXi वेरियंट में भी उसके जो ORVM है उनमें हमें टर्न इंडिकेटर नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर्स के मामले में भी थोड़ा भाई हमारे इग्निस जो है वन हैंड आगे है हमारे ZXi वेरियंट वैगनार से भी। और भाई रूफ रेल हमें इग्निस में मिलेंगे, वैगनार में नहीं मिलेंगे। डोर अजार वार्निंग हमें वैगनार में मिलेगा, हमें इग्निस में नहीं मिलेगा। इग्निस में हमें साइड इंपैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टोसिफिक चिल्ड्रंस माउंट्स, हिल असिस्ट, सीडी प्लेयर, ऑडियो सिस्टम, रिमोट कंट्रोल, ये सारे गजब के फीचर्स हमें मारुति की इग्निस के डेल्टा वेरिएंट में मिल जाते हैं, जो कि हमें मारुति वैगनार के ZXi वेरिएंट में भी, टॉप एंड वेरिएंट में भी हमें नहीं मिलते। तो भाई इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये आजकल के फ्यूचर्स बहुत सेफ्टी फ्यूचर्स हैं भाई, जो सेफ्टी के मामले में माने जाते हैं, हमें इग्निस के डेल्टा में मिल जाते हैं भाई, वैगनार में नहीं मिलते। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं भाई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।